पुलिस स्टेशन, ये कह सकते हैं कि इनके इनको नफरी पूरी नहीं मिली, इनके पास मोबाइलें पूरी नहीं है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर किसी इलाके में, किसी थाने की हदूद में मुनशियात का कोई अड्डा चल रहा है, कोई डकैतों का ग्रोह मौजूद है, कहीं गुटके की फैक्ट्री मौजूद है, चल रही है, वहां से गुटका बिक रहा है, स्ट्रीट क्रिमिनल्स मौजूद हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि थाना इससे बेखबर हो। और सब इस बात को जानते हैं कि जासूसी के निजाम में सबसे मुअसर निजाम थाने का होता है। लेकिन अगर थाने का ये पूरा निजाम लोगों को अमन फराहम करने में कामयाब नहीं होता, बल्कि बदमनी फैलाने वालों और लोगों को लूटने वालों के लिए इस्तेमाल होता हो, तो फिर ये बजा तौर से हमारा सवाल बनता है कि इस पुलिस स्टेशन का क्या काम है। फिर हम ये सवाल करने में हक बजानिब है कि ये पुलिस का पूरा निजाम कैसा चल रहा है। हम जानते हैं कि सारे लोग बुरे नहीं होते, अच्छे और दयानतदार लोग भी इसी पुलिस के महकमे में मौजूद हैं। कराची के अमन के लिए इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, हमने इसको सराहा है। लेकिन हम शहरी की हैसियत से ये बात जानते हैं कि बदमनी में और क्रिमिनल एक्टिविटी में और छीना झपटी में और डकैतियों में और कत्ल में ये मुमकिन नहीं है कि पुलिस की साजबाज के बगैर ये कातिल आजाद घूमते रहें। इसलिए आज हम पहला मुतालबा ये कर रहे हैं कि जिस इलाके के अंदर कत्ल की, डकैती की कोई वारदात हो, थाने के SHO को रिस्पॉन्सिबल करार दिया जाए और फिर ये SHO लोगों को बताए कि उसकी अपनी क्या मजबूरी है, SSP के अफसर ऑफिसेज में उसको कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है। फिर SHO की जिम्मेदारी होगी कि वो बताएगा कि पॉलिटिकल प्रेशर उसके ऊपर कितना होता है, पार्टियों के अस्करी विंग किस तरह काम करते हैं।